मेरे पास कितनी कॉपीज आई थी टोटल 14। मैंने कितनी रिटर्न कर दी 5। आपने कैसे बताया कि मैम आपके पास 9 बची हैं? आपने माइनस किया, आपने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्शन के पार्ट 1 में मैंने आपको सब्ट्रैक्शन विद डीकम्पोजिशन, विदाउट डीकम्पोजिशन एंड सॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर का ऑपरेशन बताया था। अब आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम एंड एस्टिमेटिंग द डिफरेंस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 5 सब्ट्रैक्शन पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन क्या है? सब्ट्रैक्शन है माइनस, डिफरेंस फाइंड करना, घटाना, ठीक है। इससे पहले मैं अपना पार्ट 2 सब्ट्रैक्शन का स्टार्ट करूं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मेरे पास ये कुछ कॉपीज आई हैं करेक्शन के लिए, ठीक है। ये 14 कॉपीज हैं करेक्शन के लिए आई हैं। इसमें से मैंने 5 कॉपीज का करेक्शन कर दिया है और मैं रिटर्न कर देती हूँ जिस स्टूडेंट्स की ये कॉपी है। अब मेरे पास कितनी कॉपीज रिमेनिंग है आप कैसे बताएंगे? यस एग्जैक्टली, मेरे पास कितनी कॉपीज आई थी टोटल 14। मैंने कितनी रिटर्न कर दी 5। आपने कैसे बताया कि मैम आपके पास 9 बची हैं? आपने माइनस किया, आपने सब्ट्रैक्ट किया। यस, तो हम आज सब्ट्रैक्शन ही पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन के पार्ट 1 में मैंने आपको सब्ट्रैक्शन विद डीकम्पोजिशन, विदाउट डीकम्पोजिशन एंड सॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर का ऑपरेशन बताया था। अब आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम एंड एस्टिमेटिंग द डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम्स। नाउ द फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम मतलब आपको एक स्टेटमेंट दिया है, आपको उसको पढ़ना है, एनालाइज करना है, देन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज रेणुका अर्न्स रुपीज 150,950 इन अ ईयर। रेणुका की ईयरली अर्निंग दी है एंड स्पेंट रुपीज 1,285,000। उसकी स्पेंड जो उसने अमाउंट किया वो भी दिया है। कैलकुलेट हर एनुअल सेविंग, उसने फिर पूरे साल में सेव क्या किया, इतना अर्न किया, इतना खर्च कर दिया, सेव क्या किया, कैसे कैलकुलेट करेंगे? यस, सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको थ्योरी दी है तो आपको थ्योरी लिखनी भी है। आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यही से लिखना होता है, कुछ नया नहीं करना है। रेणुका अर्न्स रुपीज 1,509,500। फिर रेणुका, रेणुका पूरा लिखते हैं। रेणुका स्पेंट रुपीज 1,285,000। रेणुका सेव्ड, रेणुका ने सेविंग क्या की, कैसे निकालेंगे? माइनस करके, माइनस कर दीजिए। रुपीज कितना, जीरो में से जीरो गया, जीरो जीरो में से जीरो, कॉलम वाइज कॉलम सब्ट्रैक्ट करते हैं। पार्ट 1 में आई हैव टोल्ड यू, 5 में से जीरो गया 5, 9 में से 5 गया 4, फिर जीरो में से 8 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? यहाँ से एक कैरी लेंगे, क्या हो जाएगा? 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0। तो रेणुका ने कितना अमाउंट सेव किया? रुपीज 2,245,000। आई होप आप समझ गए कि वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है। कोई भी क्वेश्चन हो थ्योरी पढ़िए, थ्योरी लिखते जाइए और ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एस्टिमेटिंग द डिफरेंस। नाउ एस्टिमेटिंग द डिफरेंस, व्हाट इज एस्टिमेटिंग? एस्टिमेटिंग मतलब अंदाजा लगाना। अंदाजा लगाते हैं हम, कई बार हम एग्जाम देके आते हैं, घर पे
अपना रफ एस्टीमेट लगाते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का था, इसमें मुझे इतने मिलेंगे, इसमें मैंने ऐसा किया मुझे इतने मिलेंगे, एस्टीमेट लगा लेते हैं कि हमारे इतने मार्क्स आने चाहिए। मम्मी पापा मंथली बजट घर का एस्टीमेट करते हैं कि इतने एक्सपेंसेस हमें फीस के हैं, कितने एक्सपेंसेस हमें ग्रोसरी का है, कितना एक्सपेंसेस में हमें बिल्स पे करने हैं। तो ये सब क्या है? एस्टीमेट। आप लोग मार्केट जाते हैं तब भी एक एस्टीमेट बना के चलते हैं कि हमें ये शॉपिंग करनी है, ये चीजें लेनी है, इतना अमाउंट हमारे पास है। तो वो क्या होता है? एस्टीमेट होता है। उसी तरीके से हमें डिफरेंस भी एस्टीमेट करके फाइंड करना है। देखिए कैसे करते हैं। फाइंड द एक्चुअल एंड एस्टीमेटेड डिफरेंस ऑफ 832910 एंड 590100 बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट लैक्स। एक्चुअल क्या होता है? मतलब जो एक्चुअल सब्ट्रैक्शन है पहले वो फाइंड करते हैं। चलिए एक्चुअल, एक्चुअली में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 832910। क्या प्लेसेस है? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, ठीक है? नाउ क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 590100 सब्ट्रैक्ट कर दो जरा। जीरो में से जीरो गया, जीरो वन में से जीरो गया, वन नाइन में से वन गया, एट टू में से जीरो गया, टू थ्री में से नाइन। आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करेंगे? कैरी ले लेंगे। क्या हो जाएगा? 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। और यहां पर क्या बचा? 7। 7 में से 5 गया तो क्या आया? 2। ये तो आपका एक्चुअल डिफरेंस आ गया। अब आपको एस्टिमेटेड डिफरेंस कैसे निकालेंगे? एस्टिमेटेड डिफरेंस कैसे निकालते हैं? नियरेस्ट लैक मतलब लैक के पास वाला, जिसका भी नियरेस्ट हो। नियरेस्ट 1000 मतलब 1000 के पास वाला, नियरेस्ट 100 मतलब 100 के पास वाला, ठीक है? अब नियरेस्ट लैख मतलब लैख के पास वाला। लैख के पास वाला क्या है? ये नंबर है, ये नंबर है। तो इनको राउंड ऑफ करके आपको डिफरेंस निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। 832910 590100 नियरेस्ट लैख, लैख के नियरेस्ट वाले को राउंड ऑफ करना है। कैसे करते हैं? जो ये लैख के नियरेस्ट वाला नंबर है, अगर तो ये आपका 5 से लेस है तो क्या करेंगे? ये वाला नंबर तो लैक तो ऐसे ही लिखेंगे और जो बाकी हैं उनको क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। इज इट क्लियर? नाउ अगर ये नियरेस्ट लैक वाला नंबर 5 है या 5 से ज्यादा है तो क्या करेंगे? ये जो ये लैक वाला है इसको एक बढ़ा देंगे, बाकी सब जीरो। इसको एक बढ़ा दो 6, बाकी सब जीरो। अब आप माइनस कर दीजिए। देखिए माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0000 से 8 में से 6 गया 2। देखो इसके नियरेस्ट है 240। अगर इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये देखिए नियरेस्ट वाली क्या है? 4। 4 5 से लेस होता है तो राउंड ऑफ करके क्या आएगा? यही आएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? एक्चुअल और एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड में दो बातें याद रखना है, जिसके भी नियरेस्ट आप फाइंड कर रहे हैं उसके पास वाला नंबर जो है, जैसे नियरेस्ट लैक था तो नियरेस्ट मतलब पास वाला नंबर अगर 5 से लेस है तो बाकी सारे नंबर जीरो और वो एज इट इज रहेगा। अगर 5 या 5 से ज्यादा है, बाकी सारे नंबर जीरो और जो नियरेस्ट वाला जो नंबर जिसके नियरेस्ट देख रहे हैं वो एक बढ़ जाएगा, फिर आप माइनस कर देंगे। ऐसे ही अगर आपको एडिशन करना है आप एडिशन भी कर लेंगे। इज इट क्लियर? आई होप बहुत इजी है। चलिए देखते हैं आज का मैथ फैक्ट। नाउ सी टुडेज मैथ फैक्ट। फ्रॉम 0 to 1000, 0 से लेके 1000 तक के नंबर्स में लेटर ए किसमें आता है? सिर्फ 1000 की स्पेलिंग में लेटर ए आता है, सी। अगर आपको और कोई नंबर ऐसा पता हो तो प्लीज कमेंट कीजिए जिसकी स्पेलिंग में लेटर ए आता हो, ठीक है? Isn't it interesting? So in this, I have told you the ultimate concept of word problems and estimating the difference and unique math. Keep watching my series. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment, and subscribe my channel. And also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.